नमस्कार, यश रेडा से मैं रोशनी दुबे अभी मैं प्रेस क्लब के यहाँ पे खड़ी हूँ। अपन मराठा समाजाच्या ज्या विविध विषयावरती व मराठा समाजावरती सातत्याने अन्याय असेल, मराठा समाजाच्या कुठल्याही प्रसंगाला धावून येऊन मराठा समाजाचे जे प्रश्न असतील प्रामुख्याने आपण उचलून मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत आहात, त्याबद्दल सर्व पत्रकार बांधवांचा आम्ही जाहीर आभार आणि ऋणी राहील आणि सर्वांना नमस्कार। मराठा क्रांती मोर्चा व मराठा क्रांती ठोक मोर्चा सकल मराठा समाज यांच्या वतीने 9 तारखेला तुळजापूर येथे आम्ही आई तुळजाभवानीच्या दारात जागर मोर्चा केला होता। आरक्षण आमच्या हक्काचं, आरक्षण आमच्या हक्काचं, एक मराठा, लाख मराठा, आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं, आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है, पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं धनंजय साकळकर अकलूज महाराष्ट्र समन्वयक राज्य समन्वयक मराठा क्रांति मोर्चा का हूँ। हमने 7 तारीख को पंढरपुर से मंत्रालय तक ये चलते आने का फैसला लिया है, क्योंकि हमारा मराठा आरक्षण के आरक्षण नहीं मिल रहा हमको। मैं और आप लोग का क्या मांगे जो अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, और भी क्या मांगे आप? हमारी मांगे सिर्फ यही है कि कोपड़ी के जी हमारी श्रद्धा ताई थी, उनके जो आरोपी थे उनको अभी तक फांसी नहीं, वो फांसी जल्दी से जल्दी देना चाहिए। हमारा जो अभी मराठा आरक्षण का सबसे पहला मुद्दा है, उसमें जो हर चीज में मांगे वो पूरी है, पूरी सरकार ने, दोनों सरकार ने जल्दी करना चाहिए, इतनी मांगे हमारी। कौन से सरकार के साथ मतलब आप ये करने वाले? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को बोला हुआ है, दोनों को भी हमारी ये मांगे कि भाई जो हमारी जो मांगे है वो पूरी पूरी करो। अगर हमको आरक्षण नहीं मिला तो हम किसी नेता को किसी पुढ़ारी को महाराष्ट्र में घूमने नहीं देंगे। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने परीक्षा को लेकर बोले, उस पे आपका क्या कहना है? अभी क्या है, जो महाराष्ट्र में MPSC का परीक्षा हुआ वो महाराष्ट्र सरकार ने उन्होंने आगे किया, उसके लिए तो हम महाराष्ट्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन वो परीक्षा नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे जो अभी 2.25 लाख विद्यार्थी का प्रश्न है, जो पुलिस भर्ती किया है नौकरी भर्ती का, वो भी हम नहीं करने के लिए मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अभी जो आरक्षण का है उसके वजह से हमारे जो लड़के लोग हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है, तो ये परीक्षा के वजह से या MPSC का परीक्षा हो ये नहीं होने देंगे, और जो हमारे लोगों पर केसेस है वो निकलना चाहिए सरकार ने, ये हमारी मांग है। और दूसरी मांग है हमारे आरक्षण की, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द निर्णय होना चाहिए, और आप बड़े से बड़े वकील देकर ये इसका जल्दी से जल्दी फैसला करना चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी इन लोग का कहना है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जल्द से जल्द इसका सुविधा निकाले, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। साथ में इनका ये भी कहना है कि हम लोग मातोश्री के यहाँ पे मोर्चा निकालने वाले 7 तारीख को 12 बजे। आज मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर अभी एडवोकेट डॉक्टर गुणरतन सदावर्ते जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने शेतकरी की मांग को लेकर अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा था। उनकी मांग ये है कि महाराष्ट्र में जो पानी और बारिश की वजह से खेतों की फसल खराब हुई है, गवर्नमेंट उनको, उन शेतकरियों को, उन फार्मर्स को एक अमाउंट पास करने वाली है उनके लिए। उनकी मांग ये है कि शेतकरी के साथ साथ जो शेत मजदूर है, जो भी उन खेतों में काम करते हैं, उन मजदूरों को भी कम से कम 25% की मदद मिले। मजदूरों के बारे में आप सोचेंगे नहीं, आप उनको मुबदला देने की बात नहीं रखेंगे, तब तक हम जो कोई भी किसान है महाराष्ट्र में का, उसको 1 रुपया भी देना नहीं। आप अगर आप ऐसा देने की कोशिश करेंगे तो आप भारत के संविधान की 14 धारा जो है, जो समानता की बात करती है, उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं, और उसके खिलाफ हम मुंबई उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में आपकी पॉलिसी को हम जो है चैलेंज करेंगे, और ये हम आपको ऐलान कर रहे हैं कि 30% जो भी आप इसको देंगे, किसान को देंगे, उसमें का 30% आप जो है खेत में काम करने वाले मजदूर को देना चाहिए। अगर शेतकरी के साथ साथ खेत मजदूर को भी, किसान को भी अगर ये मदद नहीं दी जाती है तो वो चैलेंज करेंगे गवर्नमेंट को, वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करेंगे। अभी मैं राजभवन के यहाँ पे मौजूद हूँ। जैसे कि आपको बता रही हूँ कि आज BJP के नेता किरीट सोमया जी महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी से मुलाकात करने वाले हैं। उनका ये कहना है कि जो कोरोना के काल में 5000 बेड और 12000 करोड़ में घोटाला किया गया, ये घोटाला महाराष्ट्र के सरकार और महानगर पालिका द्वारा किया गया है घोटाला। उनका ये भी कहना है कि इंफिडेंस के साथ 125 कॉपी लेकर यहाँ पे आए हैं, और भगत सिंह कोश्यारी जी से मुलाकात करके सभी कॉपी उनके हाथ में देने वाले हैं। ये भी निवेदन करेंगे कि जो घोटाला किया गया इसका जल्द से जल्द पता लगाया जाए, घोटाले की जाँच लोकायुक्त के द्वारा हो, ये हमारी मांग का अध्ययन करके लोकायुक्त के पास वो आवश्यकता पड़ेंगे तो भेजेंगे,
ऐसा आश्वासन दिया है। इस घोटाले में 5000 बेड के अस्पताल के नाम से 12000 करोड़ का घोटाला है। मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी का निषेध करता हूँ। 9 डॉक्टर सेवा करने के निमित्त कोविड टास्क फोर्स के सदस्य बने, उनके नाम का दुरुपयोग सिर्फ अपने मित्र परिवार की जमीन लेने के लिए किया, 12000 करोड़ के घोटाला करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने किया है। आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, महापालिका आयुक्त और मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ जांच होगी। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के लीडर किरीट सोमया जी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी से मुलाकात करने गए थे, और मुलाकात करने के बाद वो जब बाहर आए तो बोले 96 पेज जो एविडेंस के साथ वो अंदर गए थे, उनका 96 पेज भगत सिंह कोश्यारी जी ने स्वीकार करके आश्वासन दिए कि अगर जरूरत पड़ी तो लोक आयुक्त की मांग करेंगे। उनका ये भी कहना है कि जो 5000 बेड्स और 12000 करोड़ का घोटाला किया गया है ठाकरे सरकार और महानगर पालिका द्वारा, उसका जल्द से जल्द जांच करेंगे। उत्तर प्रदेश में हाथरस केस की बात करें तो 1 महीने से ज्यादा हो चुका, अभी तक पीड़ित लड़की को इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि हाथरस केस में लगातार छानबीन चल रही है और सीबीआई को भी ये केस सौंप दिया गया है। पीड़ित की फैमिली से पहला पूछताछ किया गया था, पहले उसके पिताजी और भाई से पूछताछ किया गया था, वहीं पे आपको बता दें उसकी भाभी और मम्मी से घर पे पूछताछ किया गया था, जो भी उसके फ्रेंड्स सबसे पूछताछ चल रहा है, और वहीं पे एविडेंस बहुत सारे प्रूफ भी मिला है। आज की बात बताएं तो आज हाथरस केस में पीड़ित की स्कूल में जाके पूछताछ किया गया, स्कूल के रजिस्टर को भी जब्त कर लिया गया है, और उसमें से एक आरोपी जो गिरफ्तार है वो भी उस स्कूल में पढ़ता था, जिसका पूछताछ अभी भी चल रहा है कि स्कूल में वो कब आता था कब नहीं आता था, और पीड़ित स्कूल जाती थी कि नहीं जाती थी। और सीबीआई का कहना है कि 15 दिन के अंदर सारा प्रूफ मैं सामने लाके रखूंगा। यश डड्डा से मैं रोशनी दुबे।